haben wir uns bedanken. Haben Sie den müssen nicht immer sagen. Wir den, die sich immer auch in den Worten haben. Und in dem, wo ich den sagen wollen wollte, das habe ich wieder gern. Ist den, die Schöcke in Hindustan kennen, das durch und auch die Ecke. Weil ich habe gesagt, eine Gazi Badschaft hier. So bei der ich in dieser Zamin war. Isi din ki ishan ke liye 18 saal ki umr mein 3 din bagair sar ke lade aur apni jaan ko baata pesh kar subhan aur sardar e azim badshah ke 150 saal ke baad atae rasool khade paana sultan ul hind sarkar e nawaz tashreef laaye to sarkar e nawaz ne ajmer pak ki sardumain par baith kar ke jo din ki shama roshan ki to uski taabna ki pura hindustan ka subhan allah बाहर हिंदू बादलों से वाबस्ता है ये सब उन्हीं चमक के हुए जब हम उस दीन पर अमल करते हुए इन बुजुर्गों की बादलों में जाएंगे तो बेशक खाली काम में जाएंगे और घर के काम में क्योंकि आज की बड़ी खुशी और फजल का मौका है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को सत्ते में जिन जिन लोगों ने इस अल्लाह के घर में इब्तदा से लेकर के अभी तक और अभी से लेकर के आगे तक सजाने का सवारने का बनाने का जितना भी काम किया हो ये बाप और निगार अपने हबीब के सत्ते में इसको कबूल फरमाए और कबूल फरमा करके सबको बेहतर अजदा फरमाए और उनकी उम्र में रिस्क में बच्चों के ऊपर रखे क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है आप सभी दिन तक क्यों होंगे एक खुशी का जो मौका था मैं भी एक हाजिर होने की हैसियत से हाजिर आ गया वरना आप जानते हो कि मैं अपने शहर शुमाल हिंद के थे रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुसली व हबीबी हुजूर हजरत सैयद शाह हाज मोहम्मद रसूलुल्लाह और मौलवी साहब खुदा बताई आसिम भी सुना सके पूरे मुसलमान के बाजार से लेकर के सरकार ताज वाले समूह शहीद सरकारी मुकुम बाग के बाजार के बिहार के घर में चल रहा हूँ और दावर के खान सफिया अजबा करने में सर गुना का अपना सर खादी हूँ उसी ने अपने जिंदगी को गुजार रहा हूँ साथ ही साथ एक आप सबके लिए खुशी की बात है हमारे मान साहब से चुके मुलाकात भी हुई तो ये ऐलान मैं आप सबको मैं मान साहब से लेकर के सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम जहाँ कुरान पाक पढ़ते हैं हिंदुस्तान में तो अरबी लहजे में चूंकि आज ब्रह्मी साहब भी दौड़ते होंगे वहाँ का लहजा उन्होंने सुना होगा तो अरबियों में कुरान पढ़ने का जो लहजा होता है और अजमियों में जो लहजा होता है वो आपका होता जमीन चूंकि अरबी जबान अरब की तो वहां पर जब लोग पढ़ते थे तो कहीं ऊँटों की पीठ पर बैठ के पढ़ा करते थे कहीं चलते हुए पढ़ा करते थे तो जो लहजा निकला करता था तो किसी को मदनी लहजा कहा गया किसी को अरबी लहजा कहा गया जो लोग बोल रहा है वो जानते हैं तो एक कसा की मेरे दिल में रहती थी कि कोई ऐसा इंतजाम हो कि हम अरब के ही लोगों से अरबी में लहजा से काम को अपने बच्चों को तो बात चल गई और इंशाल्लाह ईद के बाद अरब से ही दो असाजा आपके दावों के सांसदा में सिर्फ मश कराने की उनको दावत दी गई है और इंशाल्लाह ईद के बाद अल्लाह से दावों पर करम होगा तो दो असाजा वहाँ से आएंगे जो सिर्फ अरबी तरफ की मश कराएंगे इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता हूँ यही बातें करता रहता हूँ अल्लाह आप सबको सलामत करके खुशियाँ था अरे उसको हमेशा नहीं अब तो आप हमारे की आज मेरा भाई सब करें सब पर फिर तो हम कहा चाहे ये हो चाहे आपके दफ्तर साहब हो चाहे जो भी हो मेरे जो छोटे हैं वो सब मेरे हैं मेरे जो बड़े हैं वो मेरे हैं मैं किसी का से जुदा नहीं हूँ लोग मुझसे और एक लफ्ज में कह दूँ कि मोहब्बत ही नहीं जाती मोहब्बत तो ही जाती है ये वो नफ़मा है जो अहसास में कह रहे उसी के किसी कराने के साथ आप सब हमारे हम आते हैं और ये लोग हमारे जुड़ते हैं बड़े हैं सब हमारे दुनिया हैं जहाँ भी जिस राय भी मैं हूँ मैं हर वक्त मेरी बात के साथ मेरी बात का असलामुअलैकुम।